लाइफ इज फुल ऑफ मिजरी, हाउ टू ओवरकम दैट मिजरीज। देखो ये वर्ल्ड में, संसार में कोई भी दुख है उसके पीछे रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है, उतना समझ लेना। आपकी रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग छूट गई तो आपको ये संसार दुख नहीं दे सकता। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संजोग आपको दुख नहीं दे सकता है, क्योंकि आत्मा खुद ही अनंत सुख का कंद है, इसको कैसे दुख लग सकता है। बर्फ को मैंने अग्नि लगाया और बर्फ जल गया, कोई बोलेगा मानेगा कोई आदमी? तो जल ही नहीं सकता, उसको गर्मी भी नहीं लगेगी, उसकी हाजिरी से ही सबको ठंडक लगती है, तो आत्मा कैसे दुख टच करेगा उसको। मगर आत्मा की अज्ञानता से अहंकार खड़ा हुआ है और अहंकार को संसार में तमाम प्रकार के दुख भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि अहंकार वही रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग का पुतला है। अहंकार जब खत्म होता है तो रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई तो ही अहंकार खत्म होएगा, और रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई तो ये संसार में आपको कोई भी प्रकार का दुख नहीं रहेगा, उसकी गारंटी। हमको कोई भी परिस्थिति, कोई भी टाइम, कोई भी संजोग में दुखदाई नहीं हो पाती, मेरा ये अनुभव है। मैंने दादाजी के पास 71 में ज्ञान लिया था, और एक एक दिन मेरा ऐसा गया, मेरा दुखों से मुक्ति का अनुभव बढ़ते गया है। आज 35 साल हो गए, निरंतर समाधि मुझे रहती है, आपको भी ये रह सकती है। हाँ, शारीरिक दुख आता है, मगर मन का दुख, व्यवहार का दुख, तो आधी जिसको बोलते हैं मानसिक दुख को, वो टच नहीं होगी राइट अंडरस्टैंडिंग से। शरीर को दुख रहेगा, मोहन के शरीर को दुख रहेगा, मगर आपको टच नहीं होगा, उतना जागृति ये ज्ञान से पहुंच सकता है आदमी। और बाहर की उपाधि, जो बाहर से घर में मृत्यु आ गई, एक्सीडेंट हो गया, घर गिर गया, वो बाहर की उपाधि तो 100% टच नहीं हो सकेगी। ये ज्ञान को आप फॉलो करोगे तो, दादाजी बताते थे 70% भी फॉलो किया ना, तो आप निरंतर आधि व्याधि उपाधि में भी दिन रात समाधि रहेगी, गारंटी उसकी। आधि व्याधि उपाधि होने पर भी, हाँ, वो चले जाने के बाद नहीं, वो उनकी हाजिरी में भी आपको समाधि रहेगी।